हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टेक्निकल गुरुजी। इस चैनल के अंतर्गत हम आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आए तो लाइक करें एंड नई वीडियोज की अपडेट्स के लिए घंटी वाले बटन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करें। दोस्तों, जानते हैं कि लॉयर कैसे बनते हैं। स्टेप वन, अगर आप 10th में हैं और 10th के बाद अगर आपको स्ट्रीम चूज करनी है फॉर अ लॉयर, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रीम नहीं है जो ये डिसाइड करती हो कि आपको लॉयर बनना है। तो 10th के बाद आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी चूज कर सकते हैं। और मोस्टली लोग आर्ट्स और कॉमर्स चूज करते हैं क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स के जो मोस्ट फेमस सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं लॉ में आगे जाके बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए मोस्टली लोग आर्ट्स और कॉमर्स चूज करते हैं। अब आगे स्टेप सेकंड पे चलते हैं। अगर आप 12th के बाद आपको LLB करना है तो आपके लिए एक प्रोग्राम है 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम LLB का, जिस स्टूडेंट्स का पहले एम डिसाइड हो चुका है कि आफ्टर 12th उन्हें लॉ एज अ करियर बनाना है, वो लोग अपना करियर 5-year इंटीग्रेटेड LLB करके बना सकते हैं। अब उसके फायदे, 5-year इंटीग्रेटेड LLB के बेनिफिट्स। नंबर 1 बेनिफिट, आपका 1 साल सेव होता है। सेकंड बेनिफिट, कुछ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और बाकी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स के नाम होते हैं BA LLB, BSc LLB, BBA LLB ऑनर्स, BCom LLB ऑनर्स। इंडिया में इसके टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनका नाम, नंबर 1 नेशनल लॉ ऑफ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, सिंबोसिस लॉ स्कूल पुणे। ये तो रहे कुछ टॉप के कॉलेज। कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिसमें से कि कुछ कॉमन टॉप एंट्रेंस टेस्ट इस तरह है। नंबर 1 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट, नंबर 2 ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET, नंबर 3 लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, नंबर 4 सिंबोसिस एंट्रेंस टेस्ट। अब रूट सेकंड, जिन लोगों को ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है कि उन्हें लॉ एज अ करियर चुनना चाहिए, उन लोगों के लिए 3-year प्रोग्राम है LLB। सिर्फ फर्क इतना होता है कि आप लोग लॉ के सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और जो लोग इंटीग्रेटेड डिग्री लेते हैं वो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन के पढ़ते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स लॉ के पढ़ते हैं। अब इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट फॉर 3-year LLB प्रोग्राम, नंबर 1 फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत, फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, ILS लॉ कॉलेज पुणे। और इसके कुछ टॉप एंट्रेंस टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB टेस्ट, LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस टेस्ट, BHU LLB बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टेस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क। ऐसा कोट आपने पढ़ा होगा, ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर बट नॉट ऑल लॉयर्स आर एडवोकेट। तो दोस्तों एडवोकेट, जो लोग केस लड़ते हैं कोर्ट में वो लोग एडवोकेट होते हैं, दोज हु आर रजिस्टर्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों बात करते हैं लॉयर कौन कौन होता है। लॉयर के लिए LLB की डिग्री जरूरी होती है। लॉयर जो लोग आपको एक लीगल एडवाइस देते हैं, जो लोग आपके बिजनेस में एडवाइस देते हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज में एडवाइस देते हैं, इंडिविजुअल पर्सन एडवाइस देते हैं, वो लोग लॉयर होते हैं। बट वो लोग कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते बिकॉज वो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। राइट दोस्तों, एक एडवोकेट कोर्ट में केस भी लड़ सकता है और एक लीगल एडवाइस भी दे सकता है, बट एक लॉयर सिर्फ और सिर्फ लीगल एडवाइस दे सकता है, कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो रजिस्टर्ड नहीं है।
एडवोकेट के लिए एलएलबी की डिग्री जरूरी होती है। सेकंड चीज, इंटर्नशिप करनी पड़ती है किसी सीनियर लॉयर के अंडर, चाहे वो 1 महीने की करिए आप, चाहे 2 महीने की करिए, चाहे 2-3 अलग अलग लॉयर्स के अंडर आप इंटर्नशिप करिए। थर्ड थिंग, एनरोल विद द स्टेट बार काउंसिल एंड क्लियर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एलएलबी में मास्टर्स करना चाहते हैं, सम ऑफ द कॉमन स्पेशलाइजेशन दैट लॉयर ऑप्ट आर, फर्स्ट सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इन फील्ड्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्कोप ऑफ लॉ इन इंडिया। फर्स्ट, कॉर्पोरेट काउंसिल, लॉ फर्म्स, लीगेशन, सोशल वर्क, एनजीओस खोल सकते हैं, लीगल पब्लिश एंड मीडिया, इंडियन लीगल सर्विस, प्रोफेसर बन सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ करियर इन लॉ, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, इसकी फायदा है, इंटेलेक्चुअल चैलेंज होता है आपके सामने, वाइड रेंज ऑफ करियर होता है, और इसके कॉन्स, हाई स्ट्रेस, डीलिंग विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अराइजिंग कॉम्पिटिशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने माइंडेड हैं, आप डील कर सकते हैं, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ईच एंड एवरी केस में कुछ ऐसा कमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए लॉ बनाओ।